नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं जिनका चैनल अभी के टाइम में यूट्यूब ने डिलीट कर दिया है। उनका चैनल क्यों डिलीट हुआ और बताऊंगा कि पहाड़ी गेमिंग क्या टीम इलीट में वापस आने की तैयारी में है। तो आज के वीडियो में बने रहें ताकि आप फ्री फायर कम्युनिटी से रिलेटेड कोई भी अपडेट को मिस ना कर पाएँ। सबसे पहले स्टोरी की बात कर लें, सबसे पहले स्टोरी फ्री फायर से रिलेटेड है। फ्री फायर में अभी के टाइम में एक नया टूर्नामेंट आने वाला है, ESPL, जो कि ई स्पोर्ट प्रीमियर लीग है। तो इसी के बारे में ये है कि इसके प्राइस पूल अभी के टाइम में डिसाइड हुआ है 25 लाख। और इसके ब्रांड इन्वेस्टर की बात करूँ तो इसके ब्रांड इन्वेस्टर टाइगर श्रॉफ को लिया गया है। तो ये पहली बार है कि किसी भी बॉलीवुड के अभिनेता को या हीरो को ब्रांड इन्वेस्टर लिया गया हो किसी भी टूर्नामेंट के लिए। तो आप लोग इससे टूर्नामेंट के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट स्टोरी देसी गेमर से रिलेटेड है। देसी गेमर के लाइव स्ट्रीम पे कुछ बंदे आके स्पैम कर रहे थे कि बहुत टाइम से कि पहाड़ी जो है वो स्नाइपर इतनी अच्छी कैसे चला लेता है। उन्होंने बोला कि जैसे कि Y444 हैकर है, वो स्क्रिप्ट वगैरह यूज़ करता है, वैसे ही पहाड़ी स्नाइपिंग अच्छी करने के लिए स्क्रिप्ट वगैरह यूज़ करता है। तो उसी से रिलेटेड देसी गेमर की लाइव स्ट्रीम पे बहुत ज़्यादा स्पैम हो रहा था कि पहाड़ी है भी हैकर है। तो उसी से रिलेटेड देसी गेमर ने अपनी लाइव स्ट्रीम में बहुत सारी चीज़ें क्लियर की और उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है और जो जो करना है, जिसको करना है वो कर सकता है। अन्य बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली जो आपको सुननी चाहिए। पहाड़ी के क्या बोलना चाहोगे? इस पहाड़ी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्नाइपर फ्रॉम इंडिया। ऐसा नहीं, बहुत सारे भी लोग हैं, सब लोग अच्छे चलते हैं। सब लोग, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि वो स्नाइपर का वो ट्रिक यूज करता है, तुम भी करो ना, क्या प्रॉब्लम है। बोलते हैं ग्लिच यूज करता है, तुम भी करो यार, किसने रोका है। देखो, जो पहले ड्रैग आया था, वन टैप आया था, अभी स्नाइपर का चल रहा है, जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा ना। अभी हम नहीं बोलते ना गेम में अगर दूसरा बंदा मार रहा है और तुम नहीं मारो, ऐसे नहीं होता ना। तुमको कोई चीज़ आती है तुम यूज करते हो ना, सिंपल सी बात। जब गेम हटा देगा तो हटा देगा, उसके बाद देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बट आज के दिन में पहाड़ी को नो डाउट वन ऑफ द फाइनेस्ट स्नाइपर है। और भी लोग हैं, लाइक बहुत सारे लोग भी अच्छे से चलाते हैं, बट पहाड़ी टूर्नामेंट में एक नाम कमा चुका है स्नाइपर में। तो यस, स्नाइपर के मामले में ई स्पोर्ट्स प्लेयर है भाई। स्टोरी पहाड़ी गेमिंग से रिलेटेड है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि पहाड़ी गेमिंग और किलर फ्री फायर के बीच एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। आप लोगों को इस कंट्रोवर्सी के बारे में बिल्कुल नहीं पता, आप लोग मेरे पिछले 2 वीडियो देख लीजिए, तो जिसमें आपको जानकारी हो जाएगी कि इन दोनों के बीच क्या हुआ था। तो जैसे कि मैं फर्स्ट में पहाड़ी गेमिंग ने कहा था कि जब तक किलर उनको सॉरी नहीं बोल देता, वो टीम इलीट में वापस नहीं आएंगे। और वो बोले थे कि वो कोई भी दूसरी टीम देख रहे हैं। बट अभी के टाइम में क्या हुआ, कल के वीडियो मैंने बताया कि क्लब फ्री फायर ने उनको सॉरी बोल दिया है मैसेज बॉक्स में, वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें हुई। उसके बाद आज के डेट में पहाड़ी ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी अपलोड करके बताई कि वो वापस टीम इलीट के साथ ही खेलेंगे। जो प्रो लीग आ रही है उसमें वो टीम इलीट के साथ ही दिखेंगे। तो भाई ये एक हैप्पी वाली न्यूज़ है। बस ये हुआ है कि क्लब फ्री फायर शायद टीम इलीट से हट गए हैं। नेक्स्ट स्टोरी है लोकेश गेमर से रिलेटेड। लोकेश गेमर अभी लाइव कर रहे थे रात में, तब उनके लाइव एकदम से डिलीट हो गई, मतलब यूट्यूब ने उनकी लाइव हटा दिया। यूट्यूब ने ऐसा इसलिए क्योंकि उनके लाइव में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, इसलिए उनको एक स्ट्राइक भी मिल चुकी है और उनकी लाइव भी चैनल से हट चुकी है। तो उसी से रिलेटेड लोकेश गेमर ने क्या कहा, आप सुन लीजिए। गाइस, जो ब्लू फ्लेम ड्रैको AK का गिव अवे का स्ट्रीम था, वो चलते चलते उसके ऊपर यूट्यूब ने स्ट्राइक मार दिया। मेरे को पता नहीं है क्यों मारा, लेकिन स्ट्रीम अभी क्लोज हो गया है। तो कल 19 को मैं सुबह में फिर से स्ट्रीम स्टार्ट करने वाला हूं, तो आप लोग आ जाना कल सुबह। आज थोड़ी कम स्टोरीज थी दोस्तों, कम न्यूज थी, इसलिए वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट बन रहा है। तो नेक्स्ट स्टोरी की अपन बात करें तो नेक्स्ट स्टोरी है दोस्तों, एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, गौरव जॉन नाम का उनका चैनल है, जो अभी कुछ टाइम पहले अरेस्ट भी हुए थे। उनका चैनल यूट्यूब ने टर्मिनेट कर दिया है। यूट्यूब ने टर्मिनेट इसलिए किया क्योंकि गौरव जैन के चैनल अभी कुछ टाइम पहले कल रात में शायद हैक हो गया था। हैक होने के बाद उसमें बिटकॉइन वाली जो लाइव स्ट्रीम चल रही थी फ्रॉड वाली, तो वो सब चीज़ें हुई। उसके बाद पता चला कि YouTube ने उनको स्ट्राइक वगैरह दिया और उनका चैनल डिलीट कर दिया, मतलब टर्मिनेट कर दिया। इसके रिकॉर्डिंग गौरव जॉन ने बोला है कि जल्दी, मतलब YouTube से वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है उनका चैनल वापस आ जाए। होप करता हूँ कि शायद उनका चैनल जल्दी से जल्दी उनके पास आ जाए। नेक्स्ट स्टोरी प्रो नेशन से रिलेटेड है। प्रो नेशन ने आज के अपने वीडियो में फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम के बारे में सारी चीज़ें क्लियर की। उन्होंने बताया कि फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम में जो भी बंदे ऐड होते हैं, जो भी यूट्यूबर स्ट्रीमर वगैरह जो सब ऐड होते हैं, उनको क्या क्या प्रॉफिट होते हैं, क्या क्या लॉसेज होते हैं, और जो वो गिव अवे करते हैं वो गिव अवेज की डायमंड्स और गन स्किन्स वगैरह उनको भी फ्री फायर ही प्रोवाइड करता है। उन्हीं की ये वीडियो की छोटी सी क्लिप।
गाइज अपकमिंग अपडेट्स, तो यहाँ पे देखो आपको ये MP40 पता है, ये MP40 जब मैं पार्टनर प्रोग्राम में था, राइट नाउ मैं नहीं हूँ, ये आपको बताऊँगा क्यों नहीं हूँ भाई। तो जब मैं पार्टनर प्रोग्राम में था तो उस टाइम पे गाइज यहाँ पे मेरे को फ्री में दिया था फ्री फायर वालों ने। इसके अलावा यहाँ पे टोकन्स भी मिले थे कि आप मैक्स कर लो जाकर फ्री में, जैसा कि आपको मेल पे दिख रहा होगा कि मेरे को ये कोबरा वाली MP40 मिली है ना। तो ऐसे गाइज फ्री फायर के पार्टनर क्रिएटर्स को यहाँ पे फ्री में मिलती है गन स्किन्स, और ये मेरे को एक महीने पहले मिल गई थी। मतलब ऐसा नहीं कि अभी कल गेम में आएगा तो मिल गया, ये एक महीने पहले ही मिल गया था। इसके अलावा हमें मैक्स करने के लिए टोकन्स भी फ्री में मिल गए थे। तो ऐसा होता है गरीना फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम अपने क्रिएटर्स को ये सारे गिफ्ट्स भी देते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड अगेन यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग पॉइंट करते हैं, यार आप लोग को बस क्यों मिलता है, हमें क्यों नहीं मिलता है, ठीक है। और राइट नाउ देखो मैं पार्टनर प्रोग्राम में नहीं हूँ, तो मैं भी आपकी तरह मुझे भी नहीं मिलता, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आपत्ति नहीं है, ठीक है। और वैसे आपको भी नहीं होना चाहिए, अगर आपको प्रॉब्लम है तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, मैं आपको लास्ट में रीज़न बताऊंगा कि आपको क्यों नहीं मिलता, इन्हें क्यों मिलता है, ठीक है। बाय द वे गाइस यहाँ पे ये भी एक एक्सक्लूसिव गिफ्ट काफ़ी अच्छा, मतलब केवल ये नहीं मिलता, सपोज मान लो कोई ग्लूवॉल की स्किन आने वाली है, कोई नया पेट आने वाला है, कुछ ये सारी चीज़ें आने वाली है ना, तो ये चीज़ गाइज आपको मतलब फ्री फायर पहले ही दे देगा, ठीक है, जिससे आपको ये अपडेट पहले ही मिल जाता है कि ये गन स्किन एक्सक्लूसिव लेजेंडरी आइटम आपको देखने को मिलने वाला है। तो काफ़ी अच्छा लगता है यार, मतलब फ्री फायर क्रिएटर्स को भी सपोर्ट कर रहा है। एनीवे गाइज अब हम बात करने वाले हैं नंबर 3 की, अपडेट की बात कर ही रहे थे तो चलो अपडेट से रिलेटेड बात करते हैं। गेस व्हाट, ये क्या होगा, ये है गाइज एडवांस सर्वर। तो एडवांस सर्वर के बारे में आप सब जानते हो, तो अगर आप गरीना फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम के क्रिएटर हो तो आपको एडवांस सर्वर भी फ्री फायर प्रोवाइड कराएगा। जिनको नहीं पता व्हाट इज एडवांस सर्वर, तो बता दूं कि भाई देखो यहाँ पे कितना लोडिंग हो रहा है। भाई देखो ये एडवांस सर्वर एक APK होता है, मोड APK होता है, ये ऑफिशियली APK होता है, समझना कि ये कुछ हैक वैक वाला सीन है, ये ऑफिशियल APK होता है। मोडेड इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आप इंडिया सर्वर पे नहीं बल्कि इसमें इंडोनेशिया सर्वर पे डायरेक्टली खेल सकते हो अपना एक फेसबुक ID लॉगिन करके। इसके लिए आपको कुछ कोड्स वगैरह डालने पड़ते हैं जो फ्री फायर ऑफिशियली आपको देते हैं। इसके थ्रू गाइज आप अपना मतलब यहाँ पे ये वाला अकाउंट लॉगिन कर सकते हो, यहाँ पे आपको जस्ट आपका नेम चेंज करना रहेगा। ये मेरे बहुत ही पहले के वीडियो की क्लिप है।